तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं ऑल न्यू महिंद्रा बुलेरो मैक्स पिकअप, टॉप मॉडल VX। आप ये देख रहे हैं, तीन कलर ऑप्शन के साथ आएगा, जिसमें से आप लोग ये सिल्वर कलर देख रहे हैं, इसके अलावा गोल्ड एंड व्हाइट कलर का भी ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर। और ये टॉप मॉडल महिंद्रा बुलेरो मैक्स पिकअप ही आप लोग देख रहे हैं। यहां पर फ्रंट में आप लोगों को काफी बड़ा ग्रिल देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड क्रोम फिनिश में महिंद्रा का लोगो मिलता है यहां पर आप लोगों को। और ऐसी कुछ हेडलैम्प मिल जाती है आप लोगों को, बिग साइज क्लियर लेंस, हेलोजन हेडलैम्प मिलती है, टर्न इंडिकेटर बल्ब, फॉग लैम्प नहीं मिलती, आप लोग एसेसरीज में लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट जाके। फ्रंट में टूइंग हुक देखने को मिल जाता है, आगे पीछे गाड़ी के अंदर लीव स्प्रिंग सस्पेंशन आते हैं, साथ ही में बंपर में आप लोगों को यहां पर रिफ्लेक्टर टेप देखने को मिल जाती है फ्रंट रिफ्लेक्टर के साथ। और यह है दोस्तों गाड़ी का यहां पर कंप्लीट साइड से लुक ऑल न्यू महिंद्रा बुलेरो मैक्स पिकअप टॉप मॉडल VX का। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें गाड़ी की रायपुर में, तो यह आप लोगों को पड़ जाएगी लगभग 9,10,000 रुपए के आसपास। डीलरशिप का नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उनको आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वारी के लिए यहां पर। बाकी जो गाड़ी की बोनट की हाइट है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, दो वाइपर मिल जाते हैं यहां पर वॉशर के साथ, ऊपर जो केबिन है उसमें डिजाइन देखने को मिलता है, और काफी अच्छे से जो यहां पर केबिन आप लोगों को है डिजाइन देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि काफी अच्छी हाइट आप लोगों को प्रोवाइड हो जाती है गाड़ी के केबिन के अंदर। फेंडर में बुलेरो मैक्स पिकअप की बैजिंग आती है, फेंडर में 10 इंडिकेटर मिलता है, और ये इसकी 15 इंच की स्टील रिम, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक आएंगे। आउटसाइड ओआरियंस आप लोगों को ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलते हैं, मैनुअली इनको आप लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पर विजिबिलिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों ही साइड आप लोगों को यहां पर फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और ये टॉप मॉडल सिटी 3000 VX की बैजिंग, और यह गाड़ी का यहां पर कंप्लीट बैक से लुक। टॉप मॉडल में अगर बदलाव की बात करें जो उसके नीचे वाले वेरिएंट्स आते हैं उससे, तो इसमें आप लोगों को यहां पर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिल जाती है विद हेडरेस्ट। यहां पर फ्रंट की जो आप लोगों को सीट्स मिलती है उसमें हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में जो पीछे की टेल लाइट मिलती है गाड़ी के अंदर वो आप लोगों को यहां पर LED देखने को मिल जाती है, जो इसकी ब्रेक लाइट है वो। और इसका जो डिजाइन है वो नीचे वाले वेरिएंट से आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा, और ऐसे कुछ इसके इंडिकेटर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ब्लिंक करते वक्त, साथ ही में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं दो गाड़ी के अंदर। और ये इसकी टेल लाइट आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीट LED देखने को मिलती है यहां पर, महिंद्रा की बैजिंग आती है, और पीछे भी आप लोगों को यहां पर रेड कलर में रिफ्लेक्टर टेप देखने को मिल जाता है बेहतर सेफ्टी के लिए। बात करें अगर इसकी कार्गो बॉडी की, तो यहां पर आप लोगों को इसकी लंबाई की बात करें लेंथ की, तो आप लोगों को 8.2 फीट की देखने को मिलती है, चौड़ाई की बात करें तो आप लोगों को 5.3 इंच की देखने को मिल जाती है चौड़ाई, लगभग 1300 किलो की आप लोगों यहां पर जो है पेलोड कैपेसिटी कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है यहां पर। साथ ही में इसको आप लोग बॉडी विद चेसिस के साथ भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। पीछे आप लोगों के बार्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप लोग इसके अंदर सामान कैरी कर सकते हैं, बॉडी विद चेसिस लेके आप लोग महिंद्रा की तरफ से भी कस्टमाइज करवा सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्टिंग अलग से ऐड होगी। नंबर प्लेट लाइट येलो हेलोजन ही मिलती है, और ये इसकी स्टेपनी, आगे पीछे इसमें जो है लीव स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं कमानी पट्टे में। अच्छी बात यह कि एक्सल के ऊपर सस्पेंशन मिलते हैं, जिससे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कि पुरानी जो महिंद्रा बुलेरो की पिकअप आती थी उसमें शिकायत रहती थी कि एक्सल के नीचे आप लोगों को यहां पर जो है सस्पेंशन देखने को मिलते थे, जो कि टकराने का डर रहता था जब गाड़ी लोड हो जाती थी, तो अब वो टेंशन भी आप लोगों को यहां पर दूर हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छी बात यह कि काफी किफायती देखने को मिलने वाली, गाड़ी 17 का माइलेज क्लेम कर रही है, एडब्लू का आप लोगों को यहां पर कोई खर्चा नहीं आने वाला गाड़ी के अंदर, M2D ICR टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है गाड़ी के अंदर, तो आप लोगों को जो एडब्लू बाकी BS6 गाड़ियों में डलवाना पड़ता है इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हुक्स देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को चारों ही तरफ यहां पर बॉडी में, 45 लीटर की यहां पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है आप लोगों को, ये देख सकते हैं इसका कंप्लीट टैंक यहां पर, यहीं से आप लोग जो है डीजल डलवा सकते हैं। नीचे की तरफ एग्जॉस्ट टेल पाइप देखने को मिल जाता है, काफी मजबूत चेसी देखने को मिलती है गाड़ी के अंदर, और काफी ट्राई एंड ट्रस्टेड यहां पर जो है गाड़ी का इंजन जो दिया जा रहा है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, लो टू मेंटेन है और एवरेज काफी अच्छा निकाल के देता है। पीछे केबिन में ग्लास मिल जाता है, और ये टॉप मॉडल सिटी 3000 VXI की बैजिंग यहां पर। और आइए अब ड्राइवर साइड गेट का लुक खोल के देख लेते हैं यहां पर केबिन के अंदर, तो ऐसा कुछ दिखता है इसके ड्राइवर साइड गेट का लुक यहां पर, कंप्लीट ग्रे फिनिश देखने को मिल जाती है, ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल मिल जाता है गाड़ी के अंदर, यहीं से आप लोग जो है डोर को अनलॉक मतलब ओपन या क्लोज करने में आप लोगों की काफी मदद करेगा, एंड ये डोर हैंडल ब्लैक फिनिश में। विंडो को आप लोग यहां से जो है मैन्युअली अप या डाउन कर सकते हैं, दोनों ही तरफ के टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिलता है, उसके इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं,
एंड यहाँ पर आप लोगों की जब रिवर्स गियर इंगेज करेंगे तो जो क्लच है उसको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है यहाँ पर, उसके बाद जो गियर आप लोगों का रिवर्स वाला वो इंगेज हो जाएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं इसकी फ्रंट की कंप्लीट सीट, 3 सीटर में पासिंग है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर ड्राइवर सीट सीट की आप लोग हाइट एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर टॉप मॉडल में, जो कि सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अगेन काफी अच्छा काम यहाँ पर महिंद्रा ने आप लोगों के लिए किया है। अगर कोई ड्राइवर की हाइट कम है या ज्यादा है तो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है इसको। नीचे के पेडल्स की स्पेस की बात करें तो वो भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, और पीछे आप लोगों की जो सीट है रिक्लाइन भी हो जाती है कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो कंफर्ट आप लोगों का जब इसको ड्राइव करेंगे तो काफी अच्छा बना रहेगा, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये पेडल्स का स्पेस है नीचे का, ऐसा कोई डैशबोर्ड देखने को मिलता है यहां पर। और चलिए मैं अंदर बैठ जाता हूं। सेम आप लोगों को यहां पर महिंद्रा बुलेरो वाले जो पेडल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और जो महिंद्रा बुलेरो कैंपर या ओल्ड पिकअप में स्टीयरिंग आता है वही स्टीयरिंग मिलता है इसके अंदर भी, ऑल न्यू महिंद्रा बुलेरो मैक्स पिकअप के अंदर। कीज की बात करें तो ऐसी कुछ कीज देखने को मिल जाती है इसके अंदर, मैनुअल की आप लोगों को देखने को मिलती है, महिंद्रा की बैजिंग आ जाती है कीज के अंदर। एंड यहां से जो की है उसको आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। बात करें अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, कंप्लीट डिजिटल है यहां पर। बीच में आप लोगों को डिजिटल स्पीड देखने को मिल जाती है, सेमी डिजिटल कह सकते हैं इसको, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको। लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर मिल जाता है, राइट साइड में आप लोगों को फ्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वार्निंग लाइट्स के साथ। इंजन कूलेंट टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं, साथ ही में ट्रिप एंड ट्रिप भी आप लोग अपनी यहां से सेट कर सकते हैं, जो कि अगेन यहां पर काफी अच्छी चीज है। ऑरेंज कलर में आप लोगों को जो है एल्यूमिनेशन देखने को मिल जाता है, जिसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट है उसका। बाकी ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर, काफी अच्छी ग्रिप आप लोगों को प्रोवाइड करता है, ब्लैक एंड सिल्वर इंसर्ट्स के साथ आता है स्टीयरिंग व्हील। बोनट आप लोगों को कंप्लीट दिखाई देता है गाड़ी के अंदर, और यह है इसका ऑल न्यू कंप्लीट डैशबोर्ड, जो कि आप लोगों को मिलेगा ऑल न्यू महिंद्रा बुलेरो मैक्स पिकअप के अंदर। यहां पर स्पेस देखने को मिल जाती है, यहां पर आप लोगों को ग्लास होल्डर मिल जाता है या बॉटल होल्डर। नीचे की तरफ ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, लॉकेबल फंक्शन के साथ आता है, और ग्लव बॉक्स के अंदर काफी ज्यादा स्पेस है अगर सेगमेंट से कंपेयर किया जाए दूसरी गाड़ियों से। तो हजार्ड लैंप का स्विच मिल जाता है वहीं पर आप लोगों को, साथ ही में नीचे आप लोगों को यहां पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जो कि नीचे वाले मॉडल्स में भी आएगा यहां पर। और यह है इसका 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स, कंप्लीट इसका आप लोग यहां पर लुक देख सकते हैं। 3 सीटर में आप लोगों की गाड़ी पासिंग देखने को मिल रही है यहां पर, जो कि काफी अच्छी चीज है महिंद्रा बुलेरो मैक्स पिकअप के अंदर। और महिंद्रा की यही चीज काफी अच्छी है कि जो गाड़ी की कमियां हैं उसको यहां पर दूर करके वही गाड़ी को महिंद्रा यहां पर दोबारा लॉन्च करता है एक नए अवतार में। तो ये जो है महिंद्रा की काफी अच्छी बात है। यहां पर पीछे ग्लास देखने को मिलता है, जिससे आप लोग जो है पीछे नजर रख सकें जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो लाइट देखने को मिल जाती है येल्लो हेलोजन, वहीं से मैनुअली आप लोग उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और प्रॉपर एयर वेंटिलेशन के लिए, मतलब गाड़ी के अंदर घुटन ना हो, इसीलिए यहां पर वेंट देखने को मिल जाते हैं, जिससे बाहर की हवा जो है वो अंदर आएगी जब गाड़ी चलेगी तो। और ये ड्राइवर साइड सनशेड प्लेन ही देखने को मिलता है, साथ ही में जो को ड्राइवर साइड सनशेड है वो भी आप लोगों को यहां पर प्लेन ही देखने को मिलता है, मतलब मिरर नहीं आता है उसके अंदर। रियर व्यू मिरर को आप लोग जो है यहां से एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। एंड यहां पर प्रॉपर हैंडल देखने को मिलता है अच्छी ग्रिपिंग के लिए यहां पर। एंड ये गाड़ी के वाइपर के कंट्रोल एंड ये गाड़ी के हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। 9,10,000 रुपए की आप लोगों को पड़ेगी ऑन रोड रायपुर में यहां पर ये गाड़ी। मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसलिए ऑन रोड प्राइस बता दे रहा हूं, हर सिटी का जो ऑन रोड प्राइस है यहां पर ऊपर नीचे हो सकता है। और ये इसके ओवरऑल कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक, फैब्रिक अपॉर्चुनिटी में गाड़ी के अंदर सीट मिल जाती है यहां पर। और आइए अब गाड़ी का बोनट ओपन कर लेता हूं मैं यहां से, और यहां से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हेडलैम्प का लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह कि एल्यूमिनेटेड कीरिंग एरिया मिलता है गाड़ी के अंदर। और चलिए यहां से गाड़ी का बोनट जो है उसको ओपन कर लेता हूं मैं, और आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं गाड़ी का इंजन। काफी ट्राई एंड ट्रस्टेड इंजन देखने को मिलता है, ये इंजन पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर भी आता था लोअर मॉडल में M2DI में। तो यह है दोस्तों 2523cc का 4 सिलेंडर M2DICR टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों का डीजल इंजन, जो कि आप लोगों को जनरेट करके देगा यहां पर 65 BHP की पावर एंड 195 Nm ऑफ टॉर्क। लगभग 17 का माइलेज महिंद्रा यहां पर क्लेम करता है इस इंजन के साथ। 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। ये इंजन बे का आप लोग यहां पर कंप्लीट लुक देख सकते हैं। जो इसके इंजन का टॉर्क है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है यहां पर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हैवी लोड को ये खींच सके यहां पर। और यहां पर इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं इंजन के साथ। और चलिए मैं बोनट क्लोज कर लेता हूं यहां से,
वहीं से वाइपर एंड वॉशर फ्लूइड डाल सकते हैं आप लोग इसके अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा ऑल न्यू महिंद्रा बुलेरो मैक्स पिकअप का ये वीडियो मुझे कमेंट से बताइए। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग हर सी वीडियो देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।